गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फाइव सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज नंबर 3.4। 3.4 में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, 32,446 को 87 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कहते हैं 87 है तो यहाँ पे देखते हैं 32, यानी ये क्या है, 87 से जो है छोटा है, तो हम थ्री डिजिट लेंगे। तो 87 को 3 से करेंगे डिवाइड, 3 से यानी 1 बार और 2 बार में जाएगा नहीं, तो 3 बार में कर रहे हैं। 3 से बन जाए कितना होता है 21 का आएगा 1, और 3 एट जाए कितना होता है 24 में 2 का ही बचा, तो ऐड करेंगे 26, यानी ऊपर कितना है 324 है, नीचे 261, यानी तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 में से बन जाएगा, तो बचेगा 3, 2 में से 6, यानी नहीं 2 जो है वो स्मॉल है और 6 बड़ा है तो नहीं जाएगा, तो इधर से 1 कैरी लेंगे तो यार 12 में से 6 जाएगा, तो बचेगा 6, यहाँ पे बचा 2, यानी ये कैरी निकल गई तो बचा 2, वो तो 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर हमारा कितना आया 634, तो हम आप करेंगे किससे, 7 से करेंगे, 7 से बन जाए 49 होता है, 49 का कितना आएगा 9 आएगा, कैरी बचेगा कितना 4 कैरी बचेगा, 7 एट जा 56 होता है, 56 में 4 कैरी जोड़ेंगे कितना आएगा 60 आएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 में से 9 नहीं जाएगा, इधर से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा, बचेगा 5, और इधर 3 था 1 कैरी चला गया तो बचा 2 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 2, और 6 में से 6 जाएगा 0, फिर आएगा 256 हमारा है, 256 अब 2 बार करेंगे, 87 को 2 बार डिवाइड करेंगे, 2 से बन जाए कितना होता है 14 का आएगा 4, कैरी होती 1, 2 एट जा 16 में 1 कैरी तो 17 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो इधर से 1 कैरी लेंगे, 15 में से 7 गया तो बचा 8, और इधर 1 में से 1 गया 0, यानी 82 हमारा क्या बचा, रिमाइंडर क्वांटिटी हमारा कितना है 372 आया क्वांटेंट, और रिमाइंडर बचा इसका 82 रिमाइंडर बचा। अब क्वेश्चन नंबर बी आप लोग करेंगे और सी देखते हैं, यानी सी कितना है 56,78,961 को 325 से डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे 325 को, यहाँ पे कितना है 2 बार में तो जाएगा नहीं, 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, 3 को करेंगे तो इसमें क्या 325 यहाँ पे है और 567 है, यानी ये बड़ा है, तो क्या करेंगे अगर 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 567 से ज़्यादा हो जाएगा 2 बार, तो क्या करेंगे हम 1 बार करेंगे, 1 बार में कितना आएगा तो 325 बन जाए कितना आएगा 325 आएगा, तो कितना बचा 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, ठीक है 2, और इधर ये 8 हमारा यहाँ पे आएगा, 8 को निकाल लेंगे तो हो गया 2,428, ठीक है अब इसको करेंगे 7 बार में तो 7 5 जा 35 का आएगा 5, पहले बचा 3, 7 टू जा 40 में 3 कैरी तो 17 का आएगा 7, 1 कैरी बचेगा तो 7 3 जा 21 में अब कैरी ऐड करेंगे तो 22, यानी 8 में से 5 गया बचा 3, 8 में से 5 गया बचा 3, और इधर 2 में से 7 नहीं जाएगा, इधर से 1 कैरी तो क्या है 12 में से 7 गया बचा 5, और इधर 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, और 2 में से 2 गया 0, और हमारा कितना फिर 9, ये जो 9 है इसको यहाँ पे लिखेंगे, 9 को लिखेंगे तो देखते हैं फिर, यानी
1539। अब फोर बार में करेंगे, फोर बार यानी फोर के ऊपर लगाएंगे तो 1539 से ज़्यादा हो जाएगा। इसे हम दिन भर फोर बार में, फोर बार में करेंगे इसे तो कितना आएगा, 1300 आएगा। तो माइनस कर देंगे, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। और 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। अब ये 6 जो है यहाँ पर उतारेंगे तो 2396 है। और इसको कितनी बार, यानी 7 बार में, तो ऊपर हमने 7 बार में किया था तो कितना आया था, 2275 आया था, तो वही लिख लेंगे 2275। तो 6 में से 5 गया 1 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0, यानी यहाँ पे कितना हमारा, अब ये 1 है, 1 को यहाँ उतारेंगे तो 1211 बचेगा। अब इसको 3 बार में करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार में यानी 3 बार करेंगे तो 975 आएगा। तो 1 में से 5 जाएगा नहीं, इधर 11 में से 5 गया बचा 6, इधर बचा 0, इधर से कर लेंगे तो 10 में से 7 गया बचा 3 बचा, 3 बचा, तो इधर कितना बचा है, इधर बचा 1 में से 9 नहीं जाएगा, इधर से कर तो 11 में से 9 गया बचा 2, यानी 236। तो क्वांटिटी हमारा कितना आया गया है, यानी 17473 आया हमारा क्वांटिटी, और 236 क्या बचा, रिमाइंडर हमारा बचा, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, कंप्लीट द टेबल आफ्टर डिवाइडिंग द फॉलोइंग नंबर्स बाय, मतलब इसमें क्या करना है, टेबल दी गई है तुम्हारी बुक में दी गई है, इसमें क्या करना है उसको कंप्लीट करना है। तो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व दिया गया है, उसमें देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन जो ए नंबर है वो सॉल्व है, फिर बी नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसमें दिए चार ऑप्शन, यानी 100, 1000, 10000 और 9, यानी चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। यानी जो क्वेश्चन है हमारा डी, जैसे ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है बी का, ये क्वेश्चन दिया गया है बी का, इसको क्या करना है, पहले तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसका रिमाइंडर आएगा, उसमें चार कॉलम बने होंगे, उसमें जो 100 वाला कॉलम है तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको, जो क्वांटिटी और रिमाइंडर आएगा उसको हम 100 वाले कॉलम में फिल करेंगे, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी और रिमाइंडर के नीचे रिमाइंडर करेंगे। बस फिर क्या करेंगे, उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर और जो क्वांटिटी आएगा वो हम जो दूसरा कॉलम बना होगा 1000 वाला, तो वो उसका क्वांटिटी और रिमाइंडर 1000 वाले में फिल करेंगे। इसी तरीके से सी वाला कॉलम जो है इसी क्वेश्चन को करेंगे किससे, 10000 से, 10000 से करेंगे, जो रिमाइंडर और क्वांटिटी बचेगा उसको सी वाले कॉलम में फिल करेंगे। ऐसे डी जो लैक है, 1 लाख है, इसको क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसी क्वेश्चन को उससे डिवाइड करेंगे, जो क्वांटिटी और रिमाइंडर आएगा तो उसको सी डी वाले कॉलम में फिल किया जाएगा। तो इसको हम 100 से करते हैं तो 100 यानी बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट इसमें भी लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ कितना 8 है तो 8 बन जा, 8 ही तो आएगा, तो 8 बार में करेंगे तो 8 0, 8 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 8 का 0 से 0, 8 बन जा, 8 आ गया, कैंसिल करेंगे तो 7 बचेगा, 3 बचेगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार लगातार। फिर 3 से करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 से, और ये एक एक डिजिट हमारी क्या होती नीचे जो है उतारते चले जाएंगे एक एक डिजिट। इसी प्रकार हमारा रिमाइंडर जो क्या बचेगा, 0 बचेगा, और क्वांटिटी कितना आएगा, 83743 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार फिर ये हमारा किससे, 100 से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 1000 से, 1000 से हमने जब किया इसमें क्या, 1000 से
वैसे ही करना है तो इसमें फोर डिजिट होती है तो फोर डिजिट लेंगे, ये फोर डिजिट होंगे, फोर डिजिट एट से करें एट जीरो जीरो, एट का जीरो से करेंगे तो जीरो, एट का जीरो से करेंगे तो जीरो, एट वन जा एट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये फोर बचेगा, सेवन बचेगा, थ्री बचेगा, ठीक है। अब ये थ्री यहाँ पे उतरेगा तो इसका 3743, फिर थ्री से करेंगे तो थ्री जीरो, देखा जीरो से जीरो आएगा, फिर थ्री वन जा थ्री, ये थ्री कैंसिल, अच्छा कितना 743 जीरो उतार लेंगे तो फिर सेवन से करेंगे तो ये सेवन कैंसिल, फिर बचा 4300, ये जीरो यहाँ उतारेंगे, फिर करेंगे कितना 4 से करेंगे तो कितना बचेगा 3, यानी 300 बचेगा हमारा, 300 बचेगा। आगे क्योंकि डिजिट है नहीं, आगे अगर डिजिट होती तब तो हम और करते, डिजिट है नहीं तो इतने पे छोड़ देंगे, इसमें रिमाइंडर कितना बचा 300 रिमाइंडर बचा, और पॉइंटर जो है वो हमारा आया 8374। इसी तरीके से आपको आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ऐसे करना है, पहले 100 से, फिर 1000 से, फिर 10000 से, फिर लैग से डिवाइड करके और टेबल कंप्लीट करनी है। अगर नहीं समझ में नहीं आ रहा है, कोई अगर डाउट लग रहा है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।